वाराणसी, जिस सीट से साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को मात दी थी, इस बार भी पीएम मोदी वाराणसी सीट से ही लड़ रहे हैं और इसी के साथ अब ये सीट और भी हाई प्रोफाइल हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के लड़ने की अटकलें और तेज हो गई हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, कांग्रेस प्रियंका को चुनाव लड़वाएगी या नहीं, ऐसे सवाल अब चढ़ते चुनावी पारे के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं। वो संभवतः काशी से चुनाव लड़ने वाली हैं। मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस वाराणसी से उम्मीदवार के तौर पर उतार लेती है, तो इस चुनाव में वाराणसी सीट पर सबसे बड़ा मुकाबला होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। हालांकि इन अटकलों के बीच कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी ये सुनी सुनाई बातें हैं, जब कुछ फाइनल होगा तो बता देंगे। जो है सुनी सुनाई बात पर कभी तरजीह नहीं देता, जब कोई ऐसा निर्णय होगा तो हम आपको बताएंगे, अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं। कांग्रेस ने महासचिव बनाकर प्रियंका गांधी को मिशन यूपी पर भेजा है। प्रियंका पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, जहां वाराणसी सीट भी है। नए रोल में प्रियंका ने चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले वाराणसी का ही रुख किया था। वैसे वाराणसी प्रधानमंत्री का गढ़ है। 2014 में मोदी ने काशी को चुना और ये भी बताया था कि उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। वाराणसी से प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी और अब एक बार फिर से इन अटकलों को हवा मिल रही है। 2014 की लहर में मोदी ने केजरीवाल को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। ये जानते हुए भी अगर कांग्रेस वाराणसी से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारती है तो एक बड़ी बात होगी, साथ ही मुकाबला भी दिलचस्प होगा।